हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अब बॉयज एंड गर्ल्स, जो आप इस कैमरे की क्वालिटी पे इतराज करते थे ना, वो क्वालिटी नहीं आती, इतना मजा नहीं आता, आवाज के इश्यूज है वगैरह, आज वो सारा बदलने लग जाएगा। भला क्यों? क्योंकि आज मेरा पैकेज आ गया है ओस्मो पॉकेट 3 का। ओस्मो पॉकेट 3 DJI की एक सीरीज है, उन्होंने निकाली थी, व्लॉगिंग परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा होता है। और सबसे मजे की बात है बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें स्टेबलाइजेशन होगी 4K HD अल्ट्रा वाइड। जल्दी से इसको खोलते हैं। और आज का प्लान ये कि हमने मामू की तरफ जाना है, उनका एक स्टूडेंट आ रहा था काफी दिनों बाद ना, तो स्टूडेंट ने कहा था उससे मेरे से भी मिलना है, उससे भी व्लॉग में आना था, तो जाके उससे मिलेंगे, जरा शुगर लगाएंगे। तो आज का व्लॉग ना उससे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पहले जरा अनबॉक्सिंग कर लें इसकी। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास ये पैकेज आ गया और ये मैंने पूरा बंडल मंगवाया था। इसके अंदर मतलब कि माइक भी एक्स्ट्रा होगा एक्सटर्नल, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, तो सारी तरह चेक कराते हैं आपको। ओ माशाल्लाह, तो ये आप जैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास आ गया है ओस्मो पॉकेट 3 DJI का। सबसे ज्यादा चीज जो मैं एक्साइटेड हूँ ना इसके अंदर, वो स्टेबलाइजेशन। जो मेरा कैमरा हिलता है ना, वो लोगों को बहुत अनोइंग लगता है, मुझे खुद लगता था, लेकिन इंशाल्लाह अब वो वाला सीन नहीं होगा। और भागते भागते भी शॉर्ट्स ले सकते हो इसके अंदर, कमाल शॉर्ट्स आएंगे। अच्छा, तो वो पूरा इन्होंने बैग दिया हुआ है पाउचेस का, जिसमें आप कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। अलग से बॉक्स है इसके अंदर, आई वंडर क्या होगा। आई थिंक इसमें इसका वो है बेसिकली होल्डर। यस आई वॉज राइट, जो पॉकेट 3 को बेसिकली होल्ड करने के लिए, लेकिन इसको बाद में हम डालेंगे अंदर, ठीक है। अभी तो मेन चीज पे आते हैं, मेन कोर्स पे। सबसे पहले तो हमारे पास है, ओह वाओ, ये तो बहुत ही छोटा है यार। ये बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो, ये मेरा हाथ है और ये पॉकेट 3 है, लिटरली फोन से भी छोटा है। ये मेरा आईफोन 14 है और ये पॉकेट 3 है, तो ये चेक करना जरा। ओए होए होए होए, ऐसे घूम के आया। सबसे मजे की बात, जो मैं गिम्बल की कर रहा था, ये देखो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल बैटरी हमारे पास आ गई है। ये माइक देखो कितना प्यारा है अंदर से, माउंट भी दी हुए हमें, ठीक है, इसको कहीं पे रखना हो तो। छोटी सी ये जो बिल्ली नहीं होती, ये हमारे लगेगी माइक के ऊपर, इस तरह करके ऊपर लग गई है। में वाइड एंगल लेंस भी है, तो ये इस पे मैग्नेटिक की तरह लग जाएगा। ये देखो वाइड एंगल लग गया। ओ वाह, वाकई वाइड एंगल हो गया। तो अब हम स्विच करने लगे हैं। अभी मैं आपको फोन का शॉट दिखाता हूँ, फोन के बाद इस पे स्विच मारते हैं। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम मामू की तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन अब मैं कैमरा अपना शिफ्ट करने वाला हूँ एंड लेट सी द क्वालिटी चेंज। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि अब हम आ गए हैं अपने नए वाले कैमरा पे, तो पता नहीं अब क्वालिटी कैसे आ रही है। अभी मैंने वाइड एंगल लेंस के बगैर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये साथ मेरे फिजा भी है, और अब हम मामू की तरफ जा रहे हैं नया वाला कैमरा लेके। स्टेबलाइजेशन कैसी है इसकी? लग तो सही रही है, जिस तरफ मोड़ रहा उस तरफ मोड़ रहा। अब नो मोर रिकॉर्डिंग ऑन आईफोन। नहीं, वैसे स्टेबलाइजेशन तो उसमें अच्छी है। फिजा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ओ यार सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। इतनी बातें कर रहे हो, मेरे बच्चे भी जोन से है ना भाई, मेरे बच्चे जो है ना, वो आपका नाम सुन के आ जाते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। अपने बच्चों के नाम स्पेशली बोल दो भाई उनको। हाँ, शॉर्ट फिजान, आर्यन एंड फिजान भाई, आप देख रहे हो, बहुत शुक्रिया मेरा चैलेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, चेहरा सही नजर आ रहा है? चेहरा बहुत अच्छा नजर आ रहा है, देखो मतलब स्टेबल रखता है चीज को, जिधर मर्जी घुमा लो। हाँ भाई, ये है भी बड़ा प्यारा यार, है ना, मुझे भी ये गिफ्ट कर दो ना। कर दूंगा, कोई मसला नहीं। आ यार जरा खाना, रोटी बातें हो रही है भाई, ही इज वेरी इंप्रेस्ड। ज़ुहेब और मेरी मुलाकात है 16 साल बाद हो रही है। 16 साल बाद, ओहो। और ज़ुहेब मेरे पास पढ़ता था, तो मैं उस टाइम छोटा सा था, ये काफी बड़ा था। अमेरिका फर्स्ट टाइम? अमेरिका फर्स्ट टाइम आया। वो अच्छा अच्छा कि आ गया। मैं बल्कि इसको तो इन्होंने बिठाया हुआ था, एक डेढ़ घंटा बिठाया था। क्या बिठा के क्यों रखा था? अगर उन्होंने कुछ करना तो फिर आपको हॉल में नहीं बिठाते, हॉल में बैठे बैठे थे, वहाँ तुम्हें दो दिन भी बिठा सकते हैं। अच्छा, वहाँ से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल है, कढ़ाई है यहाँ पे, इंशाल्लाह दूंगा मैं खुद टेस्ट वेस्ट कर लूँ ना, फिर आपको दूंगा। देखने में तो इंप्रेसिव लग रहा है ना। हमारे पास एक कीमा है और हमारे पास क्या है, बंस पड़े हैं, ये यहाँ पे मामू भी है, मामू भी हैं, मामू भी स्नैक एक पड़े हैं। ओए होए होए होए, यखनी पुलाव, ओ माय गॉड, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना, यखनी पुलाव। ये क्या अंडे है, किसके? कोयल के, बटेर के। अच्छा बटेर के, हाँ चेक तो करें जरा। हाँ चेक तो करते हैं जरा, है क्या इसमें। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, जरा पहले टेस्ट करेंगे। हमारे पास है रोटी, साथ है हमारे पास मजे की कढ़ाई। एनीवे ओए होए 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 होए, क्या बात है, वो बन भी गया।
अंडे के नाम पे, अंडे के नाम पे धब्बा। ये देखो कोयल का अंडा, देखो एक बाइट। तो तुम्हारे ख्याल में क्या ऑस्ट्रिच का निकलना है इसमें से? हाथ धोगे यार, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को भेज दो ना, खुश हो जाएंगे इसको देख के। मूसा को अभी कर लूं रिकॉर्ड? कर ले क्या उनको? उठे वीडियो कॉल कर। क्या नाम था इनका? फराज है, फिजान है, फिजान है। वो जावेद को वीडियो कॉल कर लो ना यार। रमजान बड़ा मिस करता हूँ, सबके रोजे होते थे ना, तड़पाता था। वाह, जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर उधर मुझे फॉलो कर रहा है। वाकई? हाँ, फेस इनेबल है ना इसमें। मैं उधर जा रहा हूँ, देखो इधर चला मैं उधर चला। चावल भी रोटी के साथ खा रहे हैं, एक्साइटेड। मैं आपको समझ नहीं आ रही, बंदर जो है। आलियान क्या हाल चाल है यार, कैसे हो? ये आलियान कौन है, ये पहचान है? बताए कौन है? आज आपके अबू भी आ रहे हैं ब्लॉग में। ये ब्लॉग में आ रहा है, आप भी आ गए। फिजान को बुलाए, दूसरा वाला शर्मा आ गया मुझे लगता है। मेरे क्यूट क्यूट छोटे छोटे फैंस हैं भाई। बेटा है उसका नाम क्या है जी? मूसा। मूसा, ओ मूसा किधर गया? अरे ये तो मूसा है, मूसा मूसा को रिकॉर्ड कर रहा है। फ्यूचर फ्यूचर ब्लॉगर इंशाल्लाह। बॉयज एंड गर्ल्स अब हम देखने जा रहे हैं गजीबो बाहर। ठीक है, मामू का वो कंप्लीट हो गया सारा, जो इन्होंने बाहर हट नहीं बनाया था। ओ माय गॉड, माशाल्लाह, बॉयज एंड गर्ल्स क्या नजारे हैं। एक सेकंड, मुझे कप कहीं पे रखना पड़ेगा। स्वैग, ओ माय गॉड। ये झूला तो आपने पहले देख लिया था, अब हमारे पास ये आ गया है। सोफे आ गए, बीच में बैठने की भी जगह है, और है ना दो सोफे इस राउंड वाले आए हैं, बीच में बैठने की जगह है। चूल्हा यहाँ पे रख दिया है, वो बड़ी वाली ग्रिल है, वो वाली हमारी छोटी वाली ग्रिल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डाइनिंग टेबल आ गई है। तो मतलब कि स्वैग तो फुल टाइम हेवी किस्म का, मैं आपको क्या बताऊं। शीशा आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से बैठ के ना, चिलिंग्स करके। बॉयज एंड गर्ल्स हमारे लिए जो है भाई लाए हैं गिफ्ट सबके लिए। कहते वॉशरूम जा रहा हूँ, पीछे से गिफ्ट लेके। बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम ये इनका ये खोल रहे हैं। ओ कैल्विन क्लाइन, ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो आपने दिल की बात कर ली। कलोन हमारे पास है बॉयज एंड गर्ल्स कैल्विन क्लाइन का। कैल्विन क्लाइन की मुझे बहुत पसंद है, मेरे अबू का फेवरेट एक होता था एटर्निटी। ये देखो तुम्हारे डैडी ने मुझे दिया है, बच्चों को मैं कह रहा हूँ। ओए होए होए होए, ये तो कोई दूसरी बोतल लग रही है। हाय 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 हाय, क्या खुशबू आ रही है, काश मैं कैमरे से आपको सुंगा सकता। थैंक यू सो मच अगेन जोए भाई, इसको हम दिल से लगा के रखेंगे अपने पास। सीनियर के हम घर वापस आ गए थे, और बड़ा ज्यादा हमने घर का मतलब सामान इधर से उधर किया है। अभी हम शिकागो जा रहे हैं, एंड बाय द वे शिकागो कल मैं आ रहा हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स आज सैटरडे या कल संडे है, शिकागो में मैंने मीटअप प्लान किया हुआ है कावा हाउस पे लॉम्बार्ड में 5 PM पे। ठीक है, 14th April। एनीवेज अभी मैंने यहाँ पे हमने सारा घर संगवाया। अब हम सीन ये कि जो हमारी बिल्ली है ना कैटो, वो अब बाहर ही रहती है सारा टाइम, वो आती नहीं थी घर पे। तो हमने ना उसका सारा सामान अब हमने कर दिया उसका बाहर शिफ्ट। वो देखो जरा सामने बैठी हुई है हमारी प्रिंसेस का फेस, पता नहीं डिटेक्ट करते कि नहीं, चेक करो जरा। ओए ओए ओए। तो ये जरा हमारी बिल्ली जो है अब ये बाहर ही बैठती है, यहीं पे सारा घूमती रहती है, और फिर घुमा के ना आराम से फिर यहाँ पे आती है और आके यहाँ पे सोती है, रिलैक्स करती है। मौसम अच्छा है ना, तो हमने इसका सारा सेटअप अब देखो यहाँ पे कर दिया है। हमने स्टोरेज रूम में ना ये इसका कैटरी हमने यहाँ लगा दिया है, वो उसका खेलने वाला, ये इसका लिटर पड़ा है जो कि ये आई डोंट थिंक लिटर में करती भी है। ये डंडी हमने यहाँ पे लगा दी है ताकि ये दरवाजा बंद हो हवा से ना, तो ये पूरा बंद ना हो। ये इसका हमने खाना रख दिया, तो हम 2-3 दिनों के लिए शिकागो जा रहे ना, उसका फिर ये सीन है कि ये आराम से बाहर हमने चिल करती रहेगी, खाना शाना इसका हमने सारा बाहर रख। बाकी आई डोंट नो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कभी ये मेरी सारी कलेक्शन देखी है, ये पहले अंदर कमरे में होती थी, अब मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया। ये डिजीमोन के मैं बहुत बड़ा फैन था बचपन से, तो उसकी मैंने सारी कलेक्शन रखी हुई है। तो हमारे पास ये डिजीमोन के सारे खिलौने वगैरह, मैंने फिगर्स बड़ी देर से जमा किए थे, ये मैंने मिनिएचर्स बनाए थे। ये कॉफी शॉप है जैसे आप देख सकते हो, और ये एक मैंने घर बनाया था सारा अंदर, जो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और है जो ये मैंने एक ये बर्ड ड्रम ऑन, इसके ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है गेम के अंदर, वो मैंने रेप्लिकेट बनाया था। ये तो पजल थी, 3D पजल थी, सारी जोड़नी होती है। उसके बाद नीचे आ जाओ एक लेवल, और एक्चुअली हमारे पास ये लाइट भी है जो हम इसकी चला सकते हैं। ये देखो जरा लाइट जल गया, एक घर बनाया हुआ 3D पजल वाला यहाँ पे डाले हुए। ये मैंने पहली World 1 गेम थी डिजीमोन का, मैंने सीनरी बनाया, सारे बेबी वाले पड़े हुए। फिर ये एरिना बनाया हुआ था मैंने, ये सारा मैंने बड़ा टाइम लगा था बनाने में। ये मैंने एक इन बनाया हुआ था, ये भी गेम से इंस्पायर्ड था।
और ये सारी चीजें अंदर भी कुछ हैं। बाकी ये अब हमने सारा इसको डेकोरेट कर दिया है घर को। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे फुल हैवी किस्म की रील्स आ रही है। आई एम बीन टीचिंग सो मच स्टफ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं वहां पे बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो करो। सारी न्यूज मैं वहां पे देता हूँ, मीटअप वाली भी, और टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज अगेन शिकागो कल आ रहा हूं मैं, शिकागो वालों पहुंचो काबा हाउस लॉम्बार्ड में 5 PM पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।